नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बहुत शानदार बैंक के बारे में। अभी देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि सचमुच इस बैंक शानदार है, क्योंकि नाम देखकर ही बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूज तो होगा ही कि जो बैंक बिग फॉल दिखा चुके हैं, अराउंड अराउंड 75% क्रैश हो चुके हैं, 75% लाइफ टाइम हाई से। तो क्या वो बैंक फिर से रिकवरी कर पाएंगे? कुछ प्रूफ के साथ, कुछ मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ, कुछ एनालिसिस के साथ मैं सारे पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उसके बाद आप खुद कमेंट्स करके बताना क्या सही में इस बैंक का फिर से वो टॉप लेवल तक रिकवरी होने का चांसेस है। मैं कुछ उसके रिलेटेड ऐसे भी कुछ बैंक्स थे, वो भी सेम टू सेम 70 to 80% क्रैश हो गया था, वो आज रिकवरी करके वो ही टॉप लेवल में पहुंच चुके हैं। क्या आज जिस बैंक के बारे में बात करूंगा क्या वो पहुंच सकते हैं? तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बैंक्स मिलेगा। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए एक प्राइवेट बैंक के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका नाम आप सीधा सीधा देख सकते हैं। बैंक का नाम है बंधन बैंक। क्योंकि बंधन बैंक का नाम सुनते ही लोगों के मन में कन्फ्यूजन तो होगा ही, क्या सही में बंधन बैंक फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? क्या 75% जो क्रैश हुआ है, क्या वो फिर से उसको रिकवरी कर पाएंगे? तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स है, सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बैंक्स के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से इस डेटा को कलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। बंधन बैंक का जो टोटल जो न्यू ब्रांचेस ओपन हो रहा है, न्यू जो आउटलेट ओपन हो रहा है, वो 125 न्यू आउटलेट ओपन हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस 25 को 125 का टोटल आउटलेट लेकर टोटल कुल मिलाकर 4,414 ब्रांचेस अभी कंपनी के अंदर हो चुके हैं। तो एक अच्छा खासा ब्रांचेस कंपनी बना रहा है। और बंधन बैंक जो है वो बेसिकली कोलकाता वेस्ट बंगाल बेसिस इसका मेन हेड ऑफिस है, ब्रांचेस है। और ये बात मैं नहीं बता रहा, खुद मतलब बंधन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग 1.9 करोड़ कस्टमर इसके जेब में है, जो प्रेजेंटली 34 मतलब अलग अलग 36 स्टेट्स में कंपनी काम कर रहा है, अलग अलग स्टेट में काम कर रहे 4,414 टोटल बैंकिंग का ब्रांचेस है। तो क्या यही काफी है किसी भी बैंक्स के ऊपर निवेश करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो चलो बाकी पॉइंट्स भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी के जो फंड मतलब फाइनेंशियल डिटेल्स है और फंडामेंटल डिटेल्स है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बंधन बैंक के डेटा को देखूँ तो मुझे वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ते में देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, इसका पी रेशियो अराउंड 10 के आसपास है, जो एकदम लो पी रेशियो के आसपास है। अगर मैं इसके पी रेशियो को मैं अगर डायरेक्टली सीधा सीधा मैं लास्ट 5 ईयर्स तक देखूं तो इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 16, और कंपनी का करेंट पी रेशियो कितना है 10। और इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था उसी लेवल पर कंपनी पहुंच चुके हैं। मतलब कोविड के बाद जो कंपनी के ऊपर एक जम देखने को मिला था, उसी तरीके से अगर जम हुआ तो भी कंपनी 100% यहाँ पे जम होने का चांसेस है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको और भी देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर आरओसी आरओई में हमेशा बैंकिंग सेक्टर में आरओई को देखना चाहिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखना चाहिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ना भी देखे तो भी चलेगा, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा होना चाहिए। तो 15% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, 15 से 20% के ऊपर। तो यहाँ पे कितना है 10%। देखिए, जो कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, जो कंपनी के ऊपर करेक्शन है, वहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एक करेक्शन मोड में जरूर दिखेगा। तो प्रोमोटर के पास 40% होल्डिंग है, चलो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। मुझे देखना है डेप्थ कितना है, और क्या हर साल डेप्थ कंपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको बोरिंग्स के बारे में चर्चा करूँ। 2016 में सिर्फ 15,000 करोड़ का टोटल कंपनी ने बोरिंग्स लिया था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 1,50,000 करोड़ के आसपास। तो सीधा सीधा कहूँ कि एक मैसिवली जाम यहाँ पे देखने को मिला इस इन्वेस्टमेंट के तरफ से। मतलब 15,000 से सीधा सीधा 1,50,500 करोड़ तक कंपनी के इन्वेस्टमेंट पहुंच चुके हैं। तो एक बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं। मतलब पर इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब बोरिंग्स कंपनी लिया है, तो बेस्ट तरीके से कंपनी का कर्जा उठाया, मतलब कर्जा ज्यादा उठाया, ज्यादा लोन लिया। तो ज्यादा लोन बांटने में क्या सही में कंपनी का प्रॉफिट हुआ, वो भी तो देखना जरूरी है ना। तो चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं प्रॉफिट ऑफ लॉस के बारे में बात करूँ तो सालाना देखिए, कंपनी 23% से 22% के आसपास कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है। मतलब रेवेन्यूज का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट का ग्रोथ जो एक टाइम एकदम ना के बराबर हो रहा था, आज 10% के आसपास ग्रोथ हुआ है। तो ये जो रिटर्न नेगेटिव है,
रिटर्न पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे देखिए कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देखेंगे तो वो लगातार गिरते जा रहे थे, अभी फिर से वो रिकवरी किया है, क्योंकि बीच में वो 0.72 के आसपास आ गया था, आज फिर से वो 10% के आसपास आ चुके हैं। और देखिए रिटर्न ऑफ एसेट भी सेम टू सेम हालत था, 4% से सीधा सीधा 0.10% हो गया था, आज फिर से 1.34% हो चुके हैं। एनपीए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनपीए कई हद तक कंपनी काम कर चुकी है। एक टाइम कंपनी के एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मान के चलिए बैंक ने लोन दिया और उस मतलब 100 रुपये का लोन दिया, उस 100 में से 80 रुपीज लोन उठा पाए, बाकी 20 रुपीज लोन वो मार्केट से उठा नहीं पाए, तो ये जो लोन उठा नहीं पाया तो उसको कहा जाता है एनपीए, तो वो बैंक एनपीए दिखा देते हैं। तो इस तरीके से एनपीए में परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही तो बैंक का फायदा होगा, कि एनपीए ज्यादा हो जाएगा तो बैंक तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एनपीए जो है वो यहाँ पे ना के बराबर आ चुके हैं, मतलब बहुत कम हो चुके हैं। और देखिए कंपनी के ऊपर एनआईएम भी तो बहुत लगातार गिरते चले जा रहे हैं, चलो ठीक ही है। सीएआर कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो 18% के आसपास है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हर बैंक के पास 11% के ऊपर सीएआर परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि बैंक के जेब में पैसा मतलब बैंक के हाथ में 11% पैसा होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का जो पैसा लेकर वो काम कर रहा है, कल अगर कस्टमर को पैसे का जरूरत पड़े तो वो 11% पैसे से कस्टमर को वो सर्विसेस दे पाए। तो जो पहले मतलब इस तरीके से रूल्स नहीं था तो 100% पैसा वो लोन देते थे, तो लोन ज़्यादा देने के बाद वो कस्टमर को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आरबीआई ने कुछ रूल्स को चेंज किया। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा होने के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न सबसे पहले देख लेते हैं, वो रीज़न है कंपनी के ऊपर जो है कासा रेशियो। अगर गूगल में सर्च करेंगे बंधन बैंक का कासा रेशियो, वो आपको देखने को मिलेगा 33%। अभी 33% कासा रेशियो का मतलब है कि अगर 100 रुपया टोटल बैंक को मार्केट से पैसा उठाना पड़ रहा है, उनमें से 33% पैसा 33 रुपीज वो कासा रेशियो के माध्यम से उठा रहा है। अभी कासा रेशियो का मतलब क्या है, सीएएसए, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। देखिए करेंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट कस्टमर को देना नहीं पड़ता है, और सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ 3 से 4% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सोचिए एकदम सस्ते इंटरेस्ट में जो पैसा मिलता है वही है कासा रेशियो, और कासा रेशियो जिस बैंक का ज़्यादा है उसका फायदा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कासा रेशियो तो कम है, क्योंकि बाकी बैंक का 50, 55%, 60% तक कासा रेशियो को देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे HDFC बैंक का कासा रेशियो कितना है, चलो एक बार देख लेते हैं, HDFC बैंक का कासा रेशियो कितना है एक बार देख लेते हैं। देखिए कितना है, अराउंड आप बोल सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए 35% to 38%। अगर मैं कोटक बैंक के बारे में बात करूँ तो कोटक बैंक का कासा रेशियो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको कासा रेशियो पे देखने को मिलेगा 45%। उसी तरीके से मैं अगर ICICI बैंक के बारे में बात करूंगा तो इसका कासा रेशियो कितना है, इसका कासा रेशियो ओवरऑल 42%। और मैं एक बैंक के बारे में चर्चा करूंगा, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कासा रेशियो कितना है, वो है 26%। तो सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि अभी फिगर आउट के हिसाब से बंधन बैंक किस सिचुएशन में है, किस पोजिशन में है। तो चलो अभी वही पॉइंट्स पे चले जाते हैं। तो कासा रेशियो कम है इसलिए बैंक को बाहर से मार्केट से पैसा उठाना पड़ रहा है, चाहे वो बॉन्ड के माध्यम से, चाहे वो अलग कोई मतलब अलग अलग रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके वो बैंक मार्केट से पैसा उठा रहा है, क्योंकि पैसा ज़्यादा नहीं बैंक के हाथ में रहेगा तो बैंक कहाँ से लोन देंगे, और लोन ज़्यादा नहीं दे पाएगा तो उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो उसको कासा मतलब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है, ये इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अभी पैग रेशियो के बारे में बात करूं तो पैग रेशियो कितना है, 6.48। अभी देखिए पैग रेशियो मुझे बहुत हाइक लगा, यहाँ पे पैग रेशियो कम होना चाहिए था और पैग रेशियो मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पॉइंट्स आपको मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से चीज़ों को देखने में ठीक ठाक लगा। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर मैं सीधा सीधा इन्वेस्टर के ऊपर चले जाता हूँ, जहाँ पे देखिए हम लोग सोच रहे कि बैंक खराब है, तो फिर भी देखिए FS के पास 35% होल्डिंग था, 26% है, क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कुछ क्वांटिटीज को बेचा गया, क्योंकि FIS ने माल बेचा और उसका सीधा सीधा फायदा DS ने उठाया। पब्लिक के पास पहले भी जितना था आज भी उतना है, और प्रोमोटर के पास पहले भी जितना था आज भी उतना होल्डिंग्स है। अभी चलो इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट के बारे में बात करूँ तो चार्ट जब से इसका हाई हुआ था तब इसका प्राइस था करीबन 740 रुपीज़ के आसपास, उसके ऊपर। आज करेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस है 177 रुपीज़ के आसपास, चलो पकड़ लेता हूँ 180 रुपीज़। इसका जो लाइफ टाइम लो है वो कितना है, 150 के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है। तो क्या फिर से कंपनी रिकवरी कर पाएंगे?
तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ता है और वो ही पी रेशियो पे आसपास है जो कोविड के टाइम में था। तो कोविड के टाइम से कंपनी रिकवरी कितना किया था, अगर मैं कोविड के टाइम से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो रिकवरी हुआ था 175%। तो इसी लेवल को अगर मैं मार्किंग कर लूँ, इसी लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को मैं मार्किंग कर लूँ और करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 100-150% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो क्या ऐसे रिटर्न सचमुच में मिलेगा? तो देखिए कुछ हिडन पॉइंट्स हमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए बंधन बैंक का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ तो आप देखेंगे 2021 के अगर डेटा देखा जाए तो उस टाइम में बंधन बैंक का देखिए हालत क्या था, नेट लॉसेस था। उसके बाद देखिए बंधन बैंक ने क्या किया, धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन्स हो रहा है। उसके साथ साथ जो एनपीए था वो 3% के आसपास था, वो घट के हो चुके हैं सिर्फ 1.29%। और देखिए ग्रॉस एनपीए कितना था, 10%, बहुत ज्यादा था, वो आज सिर्फ के सिर्फ 4.5% आ चुके हैं। ओवरऑल 2.5 गुना कम कर चुके हैं एनपीए को, और वो भी लास्ट 4 ईयर्स में। तो सोचिए कितना स्ट्रांगली यहाँ पे एनपीए को कम किया। तो मैं इस पॉइंट को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम उज्जीवन बैंक का स्टाइल देख लीजिए। उज्जीवन बैंक में क्या हुआ, लगातार यहाँ पे करेक्शन हुआ था ओपनिंग होने के बाद, और उसके बाद देखिए कोविड के टाइम में करेक्शन होने के बाद और भी करेक्शन हो गया था। उसके बाद देखिए नीचे आया और फाइनली रिकवरी किया। कब से रिकवरी किया, अगर मैं रिकवरी मोड को देखूं तो 2022 से रिकवरी किया। अगर मैं उज्जीवन बैंक का 2022 का डेटा देखूं तो 2022 से अगर डेटा को मैं चेकआउट करूं तो देखिए 2022 से क्या हुआ, कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए थे, एक रेंज में था नेट प्रॉफिट। और एनपीए भी देखिए 7% से सीधा सीधा बढ़ते चले गए, उसके साथ साथ कंपनी के नेट एनपीए भी परसेंटेज वाइज कम हुआ। ये सारे पॉइंट्स के कारण उज्जीवन बैंक भी रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस किया। मैं रॉकेट जरूर कहूंगा क्योंकि अगर मैं टोटली लोअर साइड से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल 300% का रिटर्न दिया, तो 300% तो कोई कम नहीं है। मैं चलो लोअर साइड को मैं छोड़ ही देता हूँ, इसका लो जो था उस लेवल से भी देखूँ तो भी 160% का रिटर्न, और कहाँ तक गया, जिसका लाइफ टाइम हाई था वही लेवल तक गया। इसका मतलब बंधन बैंक भी सेम टू सेम फिगर आउट में यहाँ पे काम कर रहा है। पहले इसका प्रॉफिट देख लीजिए कंटिन्यूसली मेंटेन्स हो रहा है, इसके एनपीए लगातार घटते चले जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पॉइंट्स देखने को मिला, और इसी चीज को मैं अगर 1 मंथ के चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखूं तो ओवरऑल आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का करेक्शन हुआ है, और यहाँ से अगर रिकवरी करे तो एक जबरदस्त रिकवरी हो सकते हैं। क्योंकि एकदम गाउंट लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ओवरऑल सेम टू सेम उज्जीवन बैंक का जितना 300% का टोटल रेंज था वही रेंज यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आप सीधा सीधा इस कंपनी के ऊपर बाय सेल मत कर लेना, एक बार आपका सेबी रिस्क एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा, बाकी आपके क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और इसी तरीके से डीपली एनालिसिस पाना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो और लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक ना मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और अच्छा खासा स्टॉक के बारे में चर्चा करने के लिए भी उत्साहित देंगे। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।